प्रेम सनातन। आप सभी को ज्योतिषाचार्य व महावास्तु विशेषज्ञ आचार्य डॉक्टर ज्योति वर्धन सानी का सादर नमस्कार। तो आज हम फिर एक नई उपाय के तौर पर ज्योतिष के उपाय, वास्तु के उपाय और एक तरह से आपके जीवन को अच्छा करने के लिए एक मुफ्त की एक परिभाषा लेके आए हैं, गंगा जल। तो गंगा जल के उपाय कैसे करें जिसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा और हर व्यक्ति इस उपाय को कर भी पाएगा और जिसके बहुत ही चमत्कारी परिणाम है। पहला उपाय, तो जब गंगा का जल इतना शुद्ध होगा तो आप यदि ये गंगा का जल और अपने घर की बीमारियों को, परेशानियों को दूर करने के लिए एक चांदी की कटोरी में जो वास्तु में जल स्थान होता है जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ईशान दिशा, वहां पर किसी ऊंचाई पर कटोरी में, गिलास में, किसी लोटे में रख देंगे और आप उसको जल को बस रखा रहने दें। आप देखेंगे 15-20 दिन, महीने बाद, एक महीने, दो महीने बाद वो जल अपने आप ही सूख गया। फिर आप उसमें नया जल भर के रख दीजिए। आप ये देखेंगे कि जो आपके बीमारी परेशानी है, जो घर के खर्चे हैं बीमारियों के, वो काफी कम होते जा रहे हैं, अब बढ़ नहीं रहे हैं। दूसरा देखिए उपाय, जो आपका मुख्य द्वार है, यदि आप थोड़ा सा गंगा जल लेके और उसमें आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालें और वो जल रोज अपने द्वार पर यदि आप छिड़काव करेंगे तो आप ये देखते हैं कि जो ग्रह कलेश है घर में वो मिट गया है, बहुत अच्छी ऊर्जा घर में प्रवाहित हो रही है। इसी तरह से यदि आपके घर में कोई, आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, कोई ऊपरी बाधा है, कोई नजर है, कुछ है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप जो तेज पत्ता या लौंग, कपूर जलाकर जो उनको भगाने के लिए करते हैं वो आप जलाएं, अवश्य जलाएं, जो आप साप्ताहिक करते हैं। लेकिन उसको जलाने के बाद यदि आप गंगा जल का छिड़काव भी अपने उन कमरों में कर देंगे जहां आपको कुछ ऐसी एनर्जी गलत लगती है, कोई करा कराया लगता है, या ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप कर देंगे गंगा जल का छिड़काव उस पूजा के बाद, तो बहुत ही उन्नत परिणाम मिलने वाला है, समस्या का समाधान आपको मिलने ही वाला है। देखिए, पहले हमारे बुजुर्ग जैसे कहते रहे कि भाई साल में एक बार अवश्य गंगा स्नान कराया करो और संभव हो तो दो बार भी कराओ। तो आपने देखा कि जिस दिन जो है गंगा अवतरित हुई धरती पर उसको एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, गंगा दशहरा पर्व। और इसी तरह से जो कार्तिक महीना है जहाँ पे सब प्रमुख त्योहार हिंदू धर्म के होते हैं, चाहे वो छठ पूजा है, चाहे वो करवा चौथ है, चाहे वो दीपावली है, चाहे वो धनतेरस है, तो आप देखिए अहोई है, तो इतने पवित्र महीने की जो पूर्णिमा आती है, अमावस्या पर तो दीपावली हो जाती है लेकिन जो पूर्णिमा आती है कार्तिक की, उस पूर्णिमा पर गंगा स्नान का भी फल बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, बहुत सी समस्याओं का समाधान करता है। तो आप गंगा दशहरा पर्व और कार्तिक पूर्णिमा पर, ये दो में अगर स्नान भी कर पाए गंगा नदी में, तो समझिए कि बहुत ही आनंद है, बहुत ही कष्टों का आपके समाधान हो जाएगा। और देखिए, जो ये कहा गया है कि पूरे परिवार के साथ जाए वहां स्नान करें, उसका फल हम लोग ज्योतिष में ये देखते हैं कि हर परिवार में एक या दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में कोई जल से संबंधित दोष, चंद्रमा से संबंधित दोष होता है, तो उस व्यक्ति का भला हो जाता है वहां पे जाकर स्नान करने से। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप स्नान करें तो कुछ ना कुछ मंत्र उच्चारण करें, हैं, हर हर गंगे, ओम गंगे नमो नमः और गंगा मैया की जय। तो आप उच्चारण के साथ यदि वहां पे स्नान करेंगे और दीप दान करना, जी हमारे हिंदू धर्म में अग्नि को एक साक्षी माना गया है संकल्प के लिए, हर बात के लिए। तो यदि आप वहां स्नान करने के बाद अपनी जो समस्या है कि मेरी समस्या दूर हो जाए, जैसे जल बहता हुआ जा रहा है ऐसी मेरी समस्या चली जाए, समाप्त हो जाए, और उसके बाद आप शाम को दीप दान करते हैं, तो ये समझिए कि वास्तव में वो दीप भी चला जाएगा बहता हुआ, आपकी सारी समस्याएं मुसीबतें ले जाएगा। आप अभी अगर काफी सालों में वहां जाते हैं तो आप जल्दी जल्दी जाना शुरू करें और आप देखेंगे कितने अच्छे सकारात्मक परिणाम, समस्याओं का समाधान आपको मिलता है। यहाँ एक बात कहेंगे, जिनको आर्थिक समस्या है उनके लिए एक उपाय, देखिए कार्तिक पूर्णिमा पर या आप और भी जो अपनी विशेष त्योहार आते हैं वहां पर, या जो विशेष शनिवार आते हैं दिन वहां पर, देखिए ऐसा माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है पीपल पर लक्ष्मी जी का निवास होता है। तो ऐसे समय में यदि आप थोड़ा सा गंगा जल आप लें लोटे में, उसमें कुछ आप जो है हल्का सा दूध डाल दें, हल्के से तिल डाल दें और उसके बाद दिया जला के पीपल पर, और आप
ओम गंगे नमो नमः उच्चारण करते हुए वो जल अर्पित करते हैं पीपल को, तो आपकी धन समस्या समाप्त हो जाती है, कोई ना कोई रास्ता बन जाता है। आप ऐसा वहां से शुरू करके कार्तिक पूर्णिमा से और आगे भी त्योहारों पर और शनिवार पर ये उपाय करते रहिए। ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति शनिवार को ऐसा गंगा जल जो है अर्पित करता है पीपल पर, तो वो धन समस्या से मुक्त हो जाता है, उसका धन आगमन का रास्ता बन जाता है। इसी तरह से आपको बताएं कि जो जल है, देखिए उसको रखने के लिए बहुत शुद्धि चाहिए होती है, क्योंकि शुद्ध जल है। तो घर में जो शुद्ध स्थान है वो दो स्थान है, एक पूजा स्थान, तो आप वहां पे किसी जगह पे जो है गंगा जल रख सकते हैं। दूसरा शुद्ध स्थान है अपनी रसोई, तो आप अपने किचन में भी गंगा जल रख सकते हैं। और किसी खराब जगह पे उसको स्टोरेज ना करें, ना रखें। एक अन्य बात, जब इतना शुद्ध जल है और जिसमें ऐसे विटामिन, ऐसे जो है जीवाणु हैं जो किसी भी तरह की चीज को सड़ने से रोकते हैं, ऐसे जीवाणु, तो गंगा जल बहुत लंबी उम्र तक काम करता है, उसका जल सड़ता नहीं है। तो ऐसे जल को गलती से भी, जो आजकल लोग गलतियां कर रहे हैं, किसी घटिया प्लास्टिक की बोतल में ना रखें, या तो आप इसको पीतल के किसी बर्तन में रखें, तांबे के किसी बर्तन में रखें, या अगर आप प्लास्टिक की किसी बोतल में भी रखना चाहते हैं तब उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उन्नत क्वालिटी की हो। और कभी भी काले बर्तन में बिल्कुल भी गंगा जल ना रखें, सफेद बोतल हो, अच्छे मटेरियल से बनी हुई हो, तो वो जल और ज्यादा दीर्घ समय तक शुद्ध रहेगा, अच्छा रहेगा। और आपके जो ये हमने 6 उपाय बताए अपनी जिंदगी को उन्नत करने के लिए, चाहे ग्रह कलेश है, चाहे आपकी एनर्जी घर की स्वास्थ्य की है, चाहे आपके धन आगमन है, और सबसे बड़ी बात बुद्धि के लिए, तो ऐसा माना जाता है यदि व्यक्ति अपनी पूजा के समय जल थोड़ा सा तांबे के लोटे में रखे, और उस जल को जो बच्चा पढ़ रहा है, शिक्षा ले रहा है, जिसके जो एग्जामिनेशन है और परीक्षा है, और या विशेष कोई तैयारी कर रहा है, वो जल आप मंदिर में भगवान को छिड़कने के बाद थोड़ा उसकी पढ़ाई की जगह पे, स्टडी टेबल के आसपास उस जगह पर भी अगर आप छिड़काव करेंगे, तो बुद्धि का बहुत विकास होता है ऐसे बच्चे का, और आप देखेंगे कि वो बच्चा पढ़ाई में पहले से बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो आप अवश्य इन उपायों को करिए, और देखिए बहुत लंबी महिमा है गंगा मैया की, तो आज हम पार्ट 1 में इतनी ही बात करेंगे। हमारे दूसरे वीडियो पार्ट 2 का इंतजार करिए गंगा मैया की। प्रेम सनातन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों को लाइक करें और शेयर करें।